हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में मैं फिर से आपका एक बार और स्वागत करता हूँ। जो आज मैं वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला, ये एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। चलिए तो बिना समय व्यर्थ करते हुए, टाइम को वेस्ट करते हुए मैं बताता हूँ कि ये वेब सीरीज कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, आप इसमें फुल इंगेज होंगे नहीं होंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। इस रिव्यू को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज आप मेरे चैनल का कंटेंट देखिए और उसके बाद आपको लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। रिव्यू में स्नोपियर्स वेब सीरीज के बारे में रिव्यू देने वाला सीजन वन। इसका सीजन टू अभी रिसेंटली 2021 में रिलीज हुआ है, 2021 में, और अभी एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। बट मैं अभी सीजन वन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे इसका क्या फॉर्मेट है, पिक्चर क्वालिटी क्या है, जेनर्स क्या है, पेरेंट गाइडलाइन क्या, और लास्ट में मैं स्टोरी लाइन बताऊंगा। बट इसका मैं क्लाइमेक्स नहीं बताऊंगा जिससे आप लोग का इंटरेस्ट खो जाए और आप लोग देखने से पहले ही आप लोग को पता चल जाए कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये जो सीजन वन है स्नोपियर्स का, आपको सीजन वन में 10 एपिसोड है टोटल, आपको 40 से 50 मिनट का मिलता है, ठीक है। और इसका आईएमडीबी रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10, ठीक है। और ये पिक्चर फॉर्मेट में रिलीज हुआ है 2080 पिक्सल में, और जो साउंड क्वालिटी रिलीज हुआ है 5.1 डिजिटल डॉल्बी में, ठीक है। और ये इसका जेनरस मैं बता देता हूँ, जेनरस मतलब किस टाइप का है। तो ये आपको साइंस फिक्शन मूवी है, एक्शन से भरपूर है, थ्रिलर है, ड्रामा है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम लोग, पेरेंट्स गाइडलाइन, मतलब कि इसमें अल्कोहल का सीन कितना है, स्मोकिंग, ड्रग्स, न्यूडिलिटी, सेक्सुअलिटी कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल और ड्रिंक्स पे आते हैं, तो इसमें है मॉडरेट है, आपको मिलेगा तो उसके लिए थम्स ने। और सेक्स और सेक्सी सीन और न्यूडिलिटी पे भी भरपूर है, कूट कूट के भरा है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के साथ देखने वाला बिल्कुल वेब सीरीज नहीं है, आप देख रहे हो तो ये अपने आपके रिस्क पे देखिए, क्योंकि ये पेरेंट्स के साथ देखने वाला नहीं है, बहुत एडल्ट सीन है और खुल्लम खुल्ला है, ठीक है। एंड एक्शन एंड वायलेंस भी आपको इसमें कूट कूट के भरा है, मगर काट कूट मारपीट नहीं है, ओके वाला है, ठीक है, रीजनेबल है, चल जाएगा। ये वेब सीरीज का जो है ना स्नोपियर्स का स्टोरी लाइन बता देता हूँ जो कि इसमें क्या है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अचानक से एक दिन पृथ्वी बहुत वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट आते हैं, और ये क्यों गर्म होता है, बिकॉज ऑफ वन वॉर, ठीक है, लड़ाई छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, उस कारण से पृथ्वी गर्म होने लगता है। तो इसमें से कुछ जो हीरो बनते हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट लोग, वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उसके बाद वो गर्म पृथ्वी को वो ठंडा तो करते हैं बट -261 डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं कितना चिल्ड, ठंडा, थरथरा जाएगा, एकदम बर्फ ही बर्फ, ऐसे हाथ निकालिएगा तो आपका बर्फ हाथ में जम जाएगा। तो पूरा माइनस इतना हो जाता, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इसमें एक मेन कैरेक्टर जो है मिस्टर विल्फर्ड, आप इसमें बहुत जगह सुनेंगे मिस्टर विल्फर्ड, अरे कौन है ये मिस्टर विल्फर्ड, मिस्टर इंडिया है क्या। मैं भी पूरा सीजन 10 एपिसोड देख लिया, बट ये क्लाइमेक्स, ये रहस्य, ये मिस्ट्री खुला ही नहीं। तो अब मेरे को सीजन टू तो देखना है, तो आप इस सीजन में मिस्टर विल्फर्ड ये चाहते हैं, मिस्टर विल्फर्ड वो चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिस्टर विल्फर्ड ने एक ट्रेन को डेवलप किया जो कि 1001 कार का एक ट्रेन रहता, जो कि बहुत लंबा ट्रेन रहता, वो डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं मिस्टर विल्फर्ड। उसके बाद उसमें क्या आता है ना, अमीर लोग उस ट्रेन में जाने के लिए तो टिकट ले लेते हैं, बट जो आम जनता रहता, गरीब पब्लिक रहता है, कॉमन जो सिटीजनशिप रहता, वो उसमें जाने के लिए मारपीट करते हैं ट्रेन में, मगर किसी तरह जान बचाना है भाई ठंड से, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो वो लोग तो जाते हैं, उसके बाद में और बताता हूं, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है, जाने के बाद ट्रेन में चल जाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि ट्रेन बहुत स्पीड में, और वो ट्रेन में आपको सारा फैसिलिटीज है, बच्चों लोग का स्कूल है, मिलिट्री है, जज है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, सब कुछ है। मतलब वो चलता फिरता एक आपको सिटी कह लीजिए, एक कंट्री कह लीजिए, वो ऐसा ट्रेन मिस्टर विल्फर्ड बनाते हैं। और उसमें एक कैरेक्टर रहता है कर्ली बाल वाला, जो कि मेन कैरेक्टर है, ठीक है।
और इसमें से दो क्लास जो ट्रेन का रहता है ना वो उसमें फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जो अमीर लोग विद टिकट रहते हैं उसमें रहते हैं, और थर्ड क्लास में बेचारा कॉमन आदमी रहता है वो सब में रहता है, ठीक है। और वो लोग को ना सूरज देखने के लिए मिलता है ट्रेन से, वो लोग अत्याचार करते हैं, जो अमीर आदमी रहता है ना वो लोग इस इन लोग को जो गरीब आदमी उनको अत्याचार करता है और वो स्लेव बना के उसको रख, तो उसमें से एक कॉमन आदमी फिर जो पुलिस वाला रहता है, तो आपको जब देखिएगा तो पता चलेगा कंटेंट क्या है, ठीक है। मगर इसमें आप मिस्टर विल्फर्ड आपको ये सजा दिए, मिस्टर विल्फर्ड आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, मगर कौन है ये आपको मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कंटेंट देखिए, यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय।